अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू हफ्सा कुकिंग कॉर्नर। जी आज क्या बनना चाह रहे हैं? आज बनने जा रहे हैं मज़ेदार सी कड़ी। जी कड़ी बनाने के लिए मैं सबसे पहले पकौड़े उसके बनाने पड़ेंगे। तो पकौड़ों का बाउल के अंदर मैंने 3 कप बेसन लिया है, ठीक है। साथ में जो ड्राई इंग्रीडियंस मैं डालूंगी वो कौन कौन से हैं, ये मेरे पास 3 कप मेरे लिए हाथ से 1 टेबल स्पून जो है नमक है। आप हंसते जाएगा, पहले नमक कम डाल के थोड़ा सा मटीरियल निकाल के चख लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगेगा फिर ऐड कीजिएगा, अदरवाइज नमक तेज अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये 1 टीस्पून ही मेरे पास रेड चिली, ठीक है, पिसी हुई लाल मिर्च। 2 टेबल स्पून ही जो है मेरे पास ये है कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून हल्दी। 2 टीस्पून चाट मसाला। 2 टेबल स्पून ही मेरे पास एक कसूरी मेथी, ठीक है। और कसूरी मेथी बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर और अरोमा देती है हमारे पकौड़ों को। क्रश मेरे पास यहाँ पर कोरियंडर है। अब क्रश कोरियंडर किस किस्म का है, ये मैंने पहले तवे पर भून लिया है, उसको मोटा मोटा सा मैंने कूट लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास आ जाते हैं यहाँ पर अजवाइन 1 टीस्पून, ब्लैक सीड्स, ठीक है, कलौंजी, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर 1 टेबल स्पून ही भुना हुआ और मोटा मोटा मेरे पास हाथों के हथेली पर थोड़ा सा हल्का सा को क्रश कर लिया, तो ये जीरा, सफेद जीरा, ठीक है। साथ में मेरे पास 1 टीस्पून ही जो है वो गरम मसाला, क्या है। और इन तमाम ड्राई इंग्रीडियंट्स को मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है। ये तमाम इंग्रीडियंट्स चले गए और साथ में यहाँ पर मेरे पास सोडा, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं वो, ठीक है, मेरे पास तकरीबन है 2 पिंच के करीब, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना कर बाहर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। 2 पिंच के करीब सोडा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप किसी जार में या किसी बैग के अंदर, जिप लॉक बैग के अंदर इसको आप महीनों रख सकते हैं, ठीक है। जब कभी दिल चाहे मिक्सर में से थोड़ा सा मिक्सर निकाला, साथ में अपना जो मटेरियल है वो ऐड किया, प्याज आलू वगैरह जिसके भी पकौड़े खाने को मन कर रहा है, ठीक है, दिल चाह रहा है, वो मटेरियल ऐड किया। गोभी खानी है तो गोभी, अंडा, अंडे के पकौड़े खाने हैं तो अंडे, आलू के पकौड़े खाने हैं तो आलू, इसके अंदर ऐड करके उसको पानी के साथ घोल के मिक्सर बना लिया और मज़ेदार से पकौड़े एंजॉय किए, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छा से मिक्सर मेरे पास जो है वो मिक्स हो गया। यहाँ पर मेरे पास एक बाउल में यहाँ पर मैंने जूलियन कट में ये क्या है पड़ा हुआ, मेरे पास ये है आलू, ठीक है। तो मेरे पास 3 स्मॉल साइज के आलू थे जिसको मैंने ऐसे बारीक बारीक सा जूलियन कट में काट लिया। मेरे पास 1 स्मॉल साइज की जो 2 स्मॉल साइज की प्याज थी जिसको मैंने ऐसे स्लाइसेस में कट कर लिया और 2 चिलीज थी जिसको मैंने मोटा मोटा साइज से काट लिया, ठीक है। ये भी मैं इसके साथ ही ऐड कर दूँगी, ठीक है। अदरक लहसन की पेस्ट है थोड़ी सी ऐड कर दूँगी, ये बहुत ही अच्छा सा जो है डाइजेस्ट करने में हमारे पकौड़ों को यूज होता है, अजवाइन, अदरक लहसन और कलौंजी, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे पास चॉप किया हुआ कोरिएंडर है, ठीक है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जी जनाब, चाय टाइम पकौड़े बनाने के लिए जो पकौड़ों की जो हम थिकनेस रखेंगे वो ये रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से कि ना बहुत जल्दी ये ड्रॉप हो और ना बहुत आहिस्ता से चम्मच में लगाया जाए, ठीक है। दोनों तरीके से कंसिस्टेंसी रखेंगे हम लोग, ठीक है। और हम 20 मिनट का रेस्ट देने के बाद गर्म गर्म पकौड़े तलने शुरू करेंगे, ठीक है। उतनी देर में कड़ी के लिए जो हमारे पास ग्रेवी होती है वो रेडी करने के लिए मैं आपको इंग्रीडियंट्स बताती हूँ। जी जनाब, यहाँ पर मेरे पास ये 1/2 kg जो है वो दही है और ये 2 कप मेरे पास बेसन है, ठीक है। इन दोनों को अच्छे तरीके से ब्लेंडर में डाल के और थोड़ी सी हल्दी और सूखा धनिया डाल के और 1 टीस्पून नमक डाल के अच्छे तरीके से बीट कर लेती हूँ। जी जनाब, ब्लेंडर में मैंने दही बेसन डाल दिया, यहाँ पर मैं 1 टीस्पून के करीब नमक डाल रही हूँ और जिससे हमारी खट्टी सी कड़ी बनेगी ये है टार्टरिक पाउडर, ठीक है, सिट्रिक पाउडर, ये मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून बस ऐड करके इसके अंदर मैं 3 ग्लास पानी डाल के इसकी अच्छी सी पेस्ट बना लूँगी। जी जनाब, कड़ी की ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने तकरीबन 1/2 कप के करीब ऑयल बेसन में लेके उसमें 1 मीडियम साइज की प्याज, मैंने हल्का सा जो कलर चेंज हो गया यहाँ पर, तो ये मेरे पास 1 स्मॉल साइज की जो है टमाटो है और अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल देंगे और प्याज के साथ प्याज के साथ बनाई हो रही होगी। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इंग्रीडियंट्स है जिसमें मेरे पास यहाँ पर 1 टेबल स्पून रेड चिली क्रश, 1 टीस्पून हीप हल्दी और 1 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पर रेड चिली पाउडर और यहाँ पर मेरे पास कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हीप सफेद जीरा, एक मेरे पास बादियान और एक बड़ी इलायची, 3-4 लौंग, काली मिर्च और तेजपत्ता, ये सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत अच्छा समझ चुका हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम पानी ऐड करके 5 से 10 मिनट के लिए प्याज को अच्छे तरीके से गलने के लिए रखेंगे। जी जनाब, ये मेरे पास तकरीबन 3 मीडियम साइज के आलू थे जो मैंने तरीके से 4 क्वार्टर में करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। कड़ी के अंदर आलू पकौड़े बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर से थोड़ी सी तरी मैंने उतार ली है जो बाद में कड़ी को डेकोर करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखो, मैंने थोड़ी सी तरी से ऐड कर दी है। 4 ग्लास पानी के साथ मेरे 2 कप बेसन घोल लिया था, वो मैं बेसन ऐड कर दूँगी और मुसलसल चम्मच चलाएंगे ताकि बेसन हमारा नीचे चिपके मत, उनको अच्छा सा बॉयल कर लेंगे। जी जनाब, दही ऐड करने के बाद हम मुसलसल इस तरीके से चम्मच चलाते रहेंगे और इसको बॉयल आने का इंतजार करेंगे, ठीक है। क्योंकि बेसन जो है वो अगर हम लोग छोड़ देंगे इसको ऐसे बॉयल आने, जनाब दूसरी तरफ बेहतरीन से पकौड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं। जी जनाब, देखिए बेहतरीन से बॉयल आ चुका हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसकी नमक मिर्च मैं कड़ी को मीडियम टू लो बेहतरीन से कड़ी में तैयार हो गई थी और ये जो पकौड़े थे वो मैं इसमें ऐड करके आंच बंद कर चुकी हूँ। अब इसके अंदर मैं सफेद जीरा, बटन चीज और कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता मतलब ड्राई फ्रूट में, क्योंकि हम लाहौर में है तो यहाँ पर फ्रेश कड़ी पत्ता अवेलेबल नहीं है, तो मैंने लेके तो उनको ड्राई करके अपने पास स्टोर कर लिया हुआ। तो जब कभी कड़ी बनती है या ऐसी चीज़ें जिसमें कड़ी पत्ते का इस्तेमाल होता है तो मैं ये ड्राई फ्रूट वाला इस्तेमाल कर लेती हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा से इसको हम लोग करके लिए रेडी कर लेंगे और कड़ी पत्ता लगाएंगे और कड़ी को एंजॉय करेंगे। ये जबरदस्त पता था हमारे पास कल्टी लिए, और यहाँ पर मेरे पास कोई अंदर है वो डाल देंगे 2 मिनट के लिए इसको दम, और साथ में मेरे पास यहाँ पर सब जो है वो गर्म मसाला भी है पिसा हुआ, ठीक है, वो मैं 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको 5 मिनट के लिए हम लोग ढक के दम पे छोड़ देंगे, फिर डिश आउट कर लेंगे। जी जनाब, ये मज़ेदार सी हमारी जो है वो कड़ी को कड़ी पकौड़ा तैयार हो गया, गार्निश करेंगे हरी धनिया के साथ और तंदूरी रोटी के साथ, यहाँ की रोटी के साथ इसको एंजॉय करेंगे। आप भी एंजॉय करें, रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बेहद मज़ेदार और जायके में बेहद लजीज है। और दुआ में याद रखिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टिल देन हफ्सा कुकिंग कॉर्नर से आप सबको अल्लाह हाफिज़।